हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ क्लास 8 साइंस एंड यू एज यू नो दैट वी आर स्टडीइंग चैप्टर 4 विच इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल. सो इन द प्रीवियस वीडियो we studied about the physical properties of metals and non-metals. Okay, in the previous video we talked about the physical properties of metals and non-metals. Now in the next, in the today's video we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल एंड नॉन मेटल की. यहाँ पे आप देख सकते हैं वी कंपेयर इट बोथ. यहाँ पे हमने देखा था कि मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, मैलेबल, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को भी कंडक्ट कर सकता है, सॉलिड होता है ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे, लस्टरस होता है, शाइनी अपेयरेंस होता है, हाई डेंसिटी होती है. और नॉन मेटल्स में हमने ये देखा था कि इट इज़ ब्रिटल, ये टूट जाता है, अगर आप इसको हैमर करें, हिट करें तो ये टूट जाता है, नॉन मेलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, आप इसको हैमरिंग करके शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, स्ट्रॉ करके पुल करके इसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन सोनोरस होता है, अगर आप इसको हिट करेंगे तो रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट का, एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, तीनों स्टेट्स में होता है रूम टेम्परेचर पे, कुछ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड और कुछ गैसोस फॉर्म में होते हैं, डल होता है, शाइनी नहीं होता है इसका सरफेस, और लो डेंसिटी होती है. ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेप्शंस भी पढ़े थे. नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पॉसिबल रिएक्शन विथ अदर सबस्टेंस. ठीक है, कोई सबस्टेंस किसी और सबस्टेंस से कैसे रिएक्ट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको आप इक्वेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर द रिएक्टिंग मटेरियल एंड ऑन द राइट हैंड साइड आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन. ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं. राइट हैंड साइड में, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बना आफ्टर द रिएक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट कौन कौन से केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में उसके बारे में उनके नेम लिखते हैं. और डायरेक्शन जो होता है उसको हम एक एरो के थ्रू सेंटर में, एरो के थ्रू सेंटर में लिख ड्रॉ करके डिनोट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन क्या है. चलिए पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. अगर कोई मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होगा. तो जितने भी ऑलमोस्ट ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक होता है नेचर में. ठीक है, इसको आप ऐसे बता सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, आपने इसको लेफ्ट साइड में रखा और एरो से बताया कि किधर डायरेक्शन है, तो इन दोनों के रिएक्शन से बन रहा है मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक होता है, तो हम उसको बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं. सम मेटल्स रिएक्ट विग्रेसली विथ ऑक्सीजन एंड सम रिएक्ट विथ वेरी स्लोली. कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लोली रिएक्ट करते हैं. जैसे सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे और बेसिक ऑक्साइड बनाता है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू मेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड. ये सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा नेचर में. सिमिलरली अगर पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम भी एक मेटल है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन टुगेदर, क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम ऑक्साइड, 2K2O. दिस शोज
सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर। सोडियम और पोटाशियम इतनी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा उसमें से एनर्जी निकलती है कि आग लग जाती है, ठीक है, अगर इसको आप ओपन एयर में रखेंगे। दैट्स वाई दीज मेटल्स आर देयर फॉर केप्ड अंडर कैरोसिन और पैराफिन ऑयल। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो अगर आप सोडियम एंड पोटाशियम को ओपन एयर में रखेंगे तो ये तुरंत ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके आग रिएक्शन करेगा और आग पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम इन मेटल्स को क्या करते हैं, केरोसिन या पैराफिन ऑयल के अंदर उसको डुबो कर रखते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ तक नहीं हो पाती है, तो वो रिएक्ट नहीं करता है। व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैग्नीशियम भी एक मेटल है, उसको अगर हम ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या करिए, वाटर में डिजोल्व कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, वाटर से कंबाइन करके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया आपने, उसको वाटर से मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इन टू ब्लू। तो आप जानते हैं कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इससे श्योर हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। कोरोजन एक टर्म है दैट इज अकर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं बेसिक होते हैं नेचर में, और कुछ मेटल होते हैं लाइक जिंक एंड एल्युमिनियम, दे मेक मेटल ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ना तो एसिडिक होते ना तो बेसिक। अगर कॉपर नाम के मेटल को अगर हम मॉइस्ट एयर्स में एक्सपोज करें फॉर अ लॉन्ग टाइम तो क्या होता है, ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, हवा में जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग आपको उसके सरफेस पे दिखाई देती है। वो ग्रीन कोटिंग किस चीज़ की होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है, मिक्सचर होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, CuOH होल ट्वाइस एंड CuCO3 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं Cu+H2O+CO2+ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, दो चीज़ें बनेगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, दोनों का जो मिक्सचर है वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। दिस फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर वेसल इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कोटिंग का बनना, इसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का कोरोजन हो गया। एक टर्म है रस्टिंग, ये रस्टिंग जो है कोरोजन ऑफ आयरन है, ठीक है, लोहे का कोरोजन है। जब अगर आयरन को अगर आप छोड़ दें मॉइस्ट एयर वो और ऑक्सीजन से कंबाइन कर देकर वो बनाती है आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रस्ट कहलाता है, जिसको हम कॉमनली जंग लगना बोलते हैं। तो आयरन जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, कोरोजन ऑफ आयरन, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि इससे जो लोहा जो होता है वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। स्टील में भी लोहा होता है तो वो उसमें भी रस्टिंग हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो कोरोजन ऑफ आयरन का मतलब आयरन इज़ रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, ठीक है, आयरन मेटल है ऑक्सीजन से कंबाइन किया, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन और इसको हम कॉमनली रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रस्टिंग में देखिए क्या होता है, रस्टिंग में दो चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए। अगर कोई भी एक चीज़ एब्सेंट होगी ऑक्सीजन या वाटर में से कोई भी एक चीज़, तो रस्टिंग नहीं होगी। ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है और वाटर भी जो मॉइस्चर हवा में होता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट, उसी को हम रस्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर ऑरेंज रेडिश ब्राउन कलर की पाउडरी सबस्टेंस आप देखते हैं बनने लगता है, उसी को हम रस्ट बोलते हैं। ये सॉफ्ट होता है और क्रम्बल हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं, आयरन Fe
आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जो ब्राउनिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, क्योंकि रस्टिंग जो है ये एक हार्मफुल चीज़ है हमारे लिए। इससे लोहा ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिनिश ऑफ हो जाता है। तो क्योंकि हम आयरन की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें आयरन को कोरोजन से बचाना पड़ता है, तो रस्टिंग से बचाना पड़ता है। तो प्रिवेंटिंग रस्टिंग कैसे बचा सकते हैं हम, पेंटिंग करके, ठीक है, हम पेंटिंग करके आयरन को कवर कर देंगे उसके सरफेस को, तो वो ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन ही नहीं कर पाएगा। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर दें, प्लास्टिक कोटिंग लगा दें, क्रोमियम की कवरिंग कर दें, तो इससे ऑक्सीजन और वाटर आयरन से कंबाइन ही नहीं करेगा, रस्टिंग नहीं होगी। एक और तरीका है गैल्वेनाइजिंग, इसमें हम जिंक नाम के मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करता है, तो इस वजह से आपका अंदर जो होता है लोहा आपका सेफ बचा रहता है, ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता है। एलॉइंग भी एक तरीका है रस्टिंग से बचाने के लिए, इसमें हम क्या करते हैं मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, इसमें हम दो मेटल को, दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स कर देते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील का आपने नाम सुना होगा, आपके घर में बर्तन और बहुत सारी चीज़ें स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, जो कि एक अलॉय है। कौन कौन से मेटल का मिक्सचर है ये, आयरन क्रोमियम निकल, ठीक है, तीन मेटल को मिलाकर हमने क्या बनाया, स्टेनलेस स्टील। अब ये आयरन इसमें है तो, लेकिन जब क्रोमियम और निकल मिलाने से आयरन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई मतलब अब इसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो स्टील जो प्योर स्टील होता है, आप देखते हैं स्टील का चाकू अगर आप इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील का कैची इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं आप चाहे कितना भी इसको पानी में ऑक्सीजन में रख देते हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो रस्ट नहीं करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ये तो थी मेटल की बात कि कैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल का क्या होता है। तो नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, यस, और ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर नाम का एक नॉन मेटल है, उसके पाउडर को लीजिए, उसको हीट करिए विद ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस देन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। अब इस ये गैस के फॉर्म में, इसको वाटर से कंबाइन करवाइए तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड को ब्लू लिटमस से टेस्ट करवाइए, आप देखेंगे वो रेड में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, नाम में ही यहाँ लिखा हुआ है एसिड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करे तो क्या होगा, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सारे मेटल नहीं वाटर से रिएक्ट करते इन सेम मैनर, एक तरीके से, ठीक है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इन द सेम मैनर, एक ही तरीके से नहीं रिएक्ट करते, डिफरेंसेज एंड वेराइटीज होती हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वेरी विगरसली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, लेकिन आयरन जो होता है बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। गोल्ड और सिल्वर नाम के मेटल जो होते हैं वो तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते हैं पानी से, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल दिया, टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एक गैस भी बनती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, अगर नॉन मेटल की हम बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट आर वेरी रिएक्टिव विद एयर, एयर के साथ तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं लेकिन वाटर के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस नाम का नॉन मेटल होता है, वो जैसे ही एयर के साथ एक्सपोज होता है तुरंत ही उसमें आग लग जाती है, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसको स्टोर करते हैं पानी के अंदर, पानी से रिएक्ट ही नहीं करता है। नाउ वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। मेटल जो है वो रिएक्शन एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, तो अगर मेटल है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है।
मैग्नीशियम, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नीशियम मेटल है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बहुत ही विग्रसली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और एक गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये भी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम एंड जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटालिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल इन फास्टर इज फास्ट इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में तेज़ी से होता है और जिंक में धीमा होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल ऑफ थ्री। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल निकल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। जिंक का वन मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टू मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आयरन एंड लेड, ये भी दो मेटल्स हैं, आयरन एंड लेड, ये ग्रेजुअली मतलब थोड़ा धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या बनाते हैं, मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe इज़ द सिंबल ऑफ आयरन, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बन गया, आयरन क्लोराइड, एक सॉल्ट बन गया, मेटालिक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें मेटल प्रेजेंट होगा, FeCl3, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेड का सिंबल होता है Pb, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, PbCl2, लेड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। कॉपर नाम का एक मेटल है, आपने देखा होगा कॉपर की वायर हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नो रिएक्शन, सो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन वाटर। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है विद द एसिड ये डिक्रीज होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड, उससे कम कॉपर, तो कॉपर बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता है। नाउ विल टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड से नहीं रिएक्ट करते हैं। हाउएवर, लेकिन एक एक्सेप्शन है, सल्फर रिएक्ट्स विद हाई हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन एक ऐसा केस है सल्फर का, ये हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तीन चीज़ें बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Now we will see the reaction of metal with bases. Some metals react with bases to form salt and hydrogen gas. Metal जो है वो base से react कर सकता है और क्या बनाएगा, salt और hydrogen gas बनाएगा। ठीक है, thus only some metals such as aluminium, zinc and lead react with strong bases such as sodium hydroxide to release hydrogases. कुछ ही ऐसे metal होते हैं जो strong base से react करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस, नॉन मेटल जो होते हैं रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन नो हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स, अगर हम नॉन मेटल और बेस के रिएक्शन की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो इस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊपर हमने देखा कि जो मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करता है एंड एसिड से। वी हैव यूज दीज रिएक्शन टू गेट एन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स। वी कैन ऑल्सो जज रिएक्टिविटी बाई पुटिंग द मेटल इन कंपटिशन विद ईच अदर, अगर मेटल्स की रिएक्टिविटी हम देखें तो उनकी रिएक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में रख सकते हैं, क्योंकि सारे जो हैं वो एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं,
पोटाशियम जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। प्लैटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक मेटल जो होता है वो दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकता है। हाई रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। इसमें हम लेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ बीकर और उसमें जिंक डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और जिंक जो है, यहाँ पे देखिए जिंक ज़्यादा है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। तो जिंक क्योंकि मोर रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक आपने डाला तो क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद बना देगा ZnSO4 और कॉपर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द विगर ऑफ रिएक्शन, कितनी रिएक्शन की क्या स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम मेटल्स को अरेंज कर सकते हैं इन अ सीरीज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। उसकी केमिकल एक्टिविटी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम मेटल को एक सीरीज में अरेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ स्ट्रेट डाउन कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यहाँ पे आपने देखा दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ऊपर सबसे हाईली रिएक्टिव, सबसे नीचे सबसे लो रिएक्टिव मेटल्स को हमने रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजर्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, क्योंकि हीट कंडक्ट करते हैं तो खाना बनाने वाले बर्तन में हम क्यों खाना बनाने वाले बर्तन को मेटल से बनाते हैं, ठीक है। स्टील आयरन से आपने देखा होगा, टिन से, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेरी कॉमन। आयरन कॉपर एलुमिनियम को हम कुकिंग यूटेंसिल एंड फिटिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉपर एलुमिनियम को हम वायर बनाते हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। मर्करी को थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। आयरन को हम बहुत सारे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। एल्युमिनियम एंड जिंक को हम यूज़ करते हैं कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। नॉन मेटल के यूज़ की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है, प्लांट एंड एनिमल उसको ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्योरीफिकेशन में, ये क्या करता है जर्म्स को मार देता है। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए, सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र खाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती है। सुपर फॉस्फेट नाम की आपने खाद सुनी होगी जो हम खेतों में डालते हैं प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं पर्पल कलर सोल्यूशन बनाने के लिए और एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। सल्फर इज़ यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड विच इन टर्न यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक डाई ड्रग डिटर्जेंट एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर। सल्फर से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत सारे तरीके के केमिकल्स बनाते हैं जैसे कि प्लास्टिक डाई ड्रग्स डिटर्जेंट एक्सप्लोजिव एंड खाद फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, उसको हम फायर वर्क में इस्तेमाल करते हैं स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए। पाउडर्ड ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट के लिए। So this is the end of this chapter. Thank you everyone. Have a nice day.